नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लेफ्टीज को। राजनीति गर्म हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और विवादित बयान भी निकल के आ रहे हैं। एक तरफ रोड शो का काफिला भी अब निकल पड़ेगा। 11 मई को अमित शाह का रोड शो होना है पटना में। अब देखते हैं इस पर राजद के जो नेता है वो क्या पलटवार करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद की नेता अजय यादव जी। मैम, 11 तारीख को अमित शाह पटना आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, युवाओं को रिझाएंगे। क्या लगता है पटना के युवा उनसे रिझेंगे? पटना के युवा जो है बहुत सूझबूझ वाले हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब जिस तरह से ये नाजुक मसला को, युवाओं का जो सबसे नाजुक मसला होता है नौकरी, उस पर ये वादा करके गए थे और उसके साथ छलावा हुआ है युवाओं के साथ। युवा कभी नहीं मानेंगे। युवा को मालूम है कि सत्ता में जो केंद्र में सरकार बैठी है ये लोग की सबसे कमज़ोर कड़ी को से मजाक कर चुके हैं। नौकरी जैसी चीज़ को ये लोग अपमान करके रख दिए हैं। नौकरी का वादा किए जिस पे पूरा जीवन निर्भर हो जाता है युवा का, जब उस पे मजाक किए हुए हैं तो युवा रिझने वाले नहीं है। बिहार के युवा बहुत तेज हैं, पढ़ने में अच्छा करते हैं, अपने दमदूपे पे बलबूते पे ये निकल जाएंगे। अब जुमलाबाजी के पीछे ये पढ़ने वाले नहीं। लेकिन साफ साफ नरेंद्र मोदी का कहना है कि पूरा देश कह रहा है मैं हूँ चौकीदार। ये तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, मुँह मियाँ मिट्ठू, सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज। जनता को आप कहने देना, ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हैं। सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज से मैं तारीफ नहीं मानती हूँ। ये तो बढ़ चढ़ के अपने बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि अब जिनका जनाधार छूट रहा है, जनता इनके साथ नहीं है, तो खुद अपनी बोली लगा रहे हैं, खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि जनाधार छूट रहा है नरेंद्र मोदी का। दूसरी ओर राबड़ी देवी का ये विवादित बयान निकल के आता है कि JDU और भाजपा के जितने लोग हैं वो नाली के कीड़े हैं। जब हमने इस सवाल को रखा रविशंकर प्रसाद के सामने तो उन्होंने कहा कि वो स्टैंडर्ड नहीं है उन लोगों का कि मैं उनको कोई जवाब दूं। रविशंकर प्रसाद जी तो उस पार्टी के हैं जो दूसरे पार्टी के लोग के DNA के गाली देते हैं, तो वाकई रविशंकर जी का स्तर तो बहुत नीचा है। वो राबड़ी मैडम जी के स्टैंडर्ड इतने ऊँचे हैं कहाँ। उनका स्तर इतना नीचा है कि उन्हें हिम्मत भी नहीं है कि राबड़ी देवी के बयान पर कोई टिप्पणी करे। पहले वो अपना DNA साफ करे, जो वो BJP जो कहती है दूसरे पार्टी का DNA पे चर्चा करती है, ये तो उसी पार्टी का संस्कार ढो रहे हैं। वो राबड़ी देवी जी के स्तर के हैं कहाँ, बहुत नीचे हैं, इसीलिए इस पर वो टिप्पणी करने के लायक अपने आप को नहीं समझते। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 23 मई के बाद भूचाल आएगा, क्या सही में चुनाव नतीजों के बाद भूचाल आने वाला है? भूचाल तो आ रहा है। जहाँ तेजस्वी जी जा रहे हैं वहाँ आप देखिए किस तरह से उमर कर लोग आ रहे हैं, खंभे पे खड़े हो जाते हैं, चारों जितनी दूर आप देखें आपको सिर्फ जनता ही दिखाई देती है, उनका जनाधार दिखाई देती है। महिलाओं हो, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, उनके भाषण पे लोग तालियां बजाते हैं। तो समय तो आ गया है, परिवर्तन होने वाला है। 5 साल BJP को दिया गया, इसका वो लोग एक भी सही काम नहीं की। ये 5 साल में हर जायज़ नाजायज़ काम किए वो लोग। चौकीदार बन के बड़े बड़े उद्योगपति को देश के बाहर निकाला गया, जिनको जेल के अंदर रहना था, चाहिए था, उनको छूट दिया गया। नीतीश कुमार मजदूरी मांग रहे हैं घूम घूम कर कि आप मुझे मजदूरी दे दीजिए मेरे काम की, 5 साल जो मैंने काम किया है उसकी मजदूरी। 5 साल क्या किया? सृजन घोटाला किया, मुजफ्फरपुर में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ वो काम किए, ये किए क्या 5 साल? घोटाला पे घोटाला, जनरल RJD के बलबूते पे जीत करके आए, मुख्यमंत्री बने, BJP के गोद में जा करके सो गए। मजदूरी किस चीज़ की चाहिए? जनता जवाब उनसे मांगेगी, उन्हें बताना चाहिए कि ये सब काम में वो क्यों फंसे और BJP के पास वो क्यों किए। सृजन में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ और BJP के पास वो क्यों है, जनता उनसे इसका जवाब मांगती है। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत सारे मांगे हैं अजय यादव ने। अब आने वाले समय में क्या इन सवालों का जवाब देंगे JDU के कई बड़े जो नेता हैं, या ट्वीट के माध्यम से ही कुछ कहेंगे? लाइव स्ट्रीम देखते रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम उन सभी जवाबों से, उन सभी सवालों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।